के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ये। यार आप पुठी पुठी चीजें लोगों को बताते हैं। मेरे भाई ने या किसी बहन ने अगर खुदकुशी करनी है तो यहाँ से कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं हूं मियां मोहम्मद नबील एंड वेलकम टू माय चैनल एम्बिशियस राइडर। आज हम जा रहे हैं पंचपी रॉक्स। एज यूजुअल हम लोग फिर लेट हैं और से निकलते निकलते हमें तकरीबन 10 बज गए और हम ये चाहते थे कि हम लोग मगरिब तक वहाँ पहुँच जाएँ और उसकी जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ। लाहौर से पंचपी रॉक्स का जो सफ़र है वो 316 किलोमीटर है और जब जीटी रोड से सफ़र करेंगे आप तो आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक है गुजरखां से जाने वाला और एक है रवात से जाने वाला। तो हमें किसी ने कहा कि जी जो गुजरखां से जो रास्ता जा रहा है वो ज़रा डेंजरस है। अब ये नहीं पता कि किस वजह से डेंजरस कहा गया उन्होंने, तो आप रवात से जो है वो ट्रैवल करें। तो हम रवात से गए लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गुजरखां से ही चलें। एक तो वहाँ जो रास्ता है वो बड़ा प्लेजेंट है, दूर दूर बड़े बड़े वहाँ खेत हैं और बड़ा प्लेजेंट व्यू है। दिन के वक्त अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप गुजरखां से ही जाएँ और रोड भी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू रवात। अब हमारे चैलेंजेस ये हैं कि क्या हम मगरिब से पहले वहाँ पहुँच सकेंगे। दूसरा, जो मेरे दोस्त हैं उनका ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि वो बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे कहने से वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो दोबारा, उनको इस चीज़ का मज़ा आता है, दोबारा वो ये चीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। सेकेंड चैलेंज ये है कि वहाँ ए टू एस कैसा फ्लाई होता है, ड्रोन में मैं क्या व्यूज़ बना सकता हूँ। तो स्टे विद मी। ये मेरा दोस्त है अली निशान, इमरान आशमी। तो इमरान भाई कैसा लगा? जी बहुत ज़बरदस्त रहा भाई। अभी हम यहाँ आए हुए हैं इधर खारी और लाला मूसा के बीच में, चाय खाइए और अब चाय मंगाने लगे क्योंकि आ गई है चाय। सफ़र सुबह से कर रहे हैं सफ़र। अभी क्या टाइम हो गया? मेरे ख्याल में टाइम अभी तो 1:30 बज गया है, सुबह के निकले हुए हैं 9 बजे के। एक नबील साहब की ख्वाहिश थी कि जी साथ चले, तो बाइक पर फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है। लक तो यानी कि दुख गया है, अब अभी और मज़ीद अभी जो है वो दो हिस्से हो जाएंगे लग के। आप बताइए जी, अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक? सही जा रहा है। और खाना कैसा लगा? खाना तो फिर बहुत अच्छा। हाँ हाँ, फेमस रेस्टोरेंट है मियां जी रेस्टोरेंट, इनकी दाल जो है वो बहुत मशहूर है, देसी घी की और देसी घी का ट्राई करें। चलो अब अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इनको ना, अभी अली भाई को और ज़्यादा मज़ा आएगा जब ये बाइक जो है आधे रास्ते में मेरे से ले के खुद ड्राइव करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। इमरान साहब बहुत अच्छी चला रहे और हमें 7 hours later। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, हम लोग क्वाटा शहर जो है बस अभी वहाँ तक ही पहुँचे और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं थकावट के साथ। तो अभी आपको जो मेरे कहने पे राइडर बने हैं उनकी हालत दिखा दो। हाँ जी जनाब, हाँ जी जनाब, ये बहुत लालत है जो हमने पैसे दे के खरीदी है। हमारी बाइक जो है वो पंचर हो गई है। ये देखिए सामान पीछे। पता नहीं, समझ नहीं आती, सामान तो थोड़ा सा ही होता है, एकदम से ज़्यादा हो जाता है। आप भी कह रहे होंगे पूरी वीडियो में जो है वो कोई भी मैंने व्यू नहीं दिखाया, उसकी एक वजह है क्योंकि अभी लिया है GoPro 10 और उसके साथ एसेसरीज़ भी दूसरी आई हैं। तो मैंने ये कहा कि यार ये जो है ये पुराना यही लग जाएगा, लेकिन ये लग नहीं रहा। इसका जो जॉइंट है वो चेंज हो गया, पता नहीं क्यों, पहले चाइना का लगा हुआ था, ये भी वैसे चाइना ही है लेकिन ये वाला दूसरा है। तो जो इसकी जो प्लगइन होता है वो लग ही नहीं रहा, तो इस वजह से हेलमेट पे नहीं लग रहा। यस, आई हैव अनदर ऑप्शन, वो करते हैं।
अभी दिखाते हैं आप जी। इमरान भाई ये ठीक है, ये एंगल अच्छा है, बाइक पे चलाते हैं। हाँ जी, सुराग लग गया कि नहीं? चलो शुक्र, मिल गया सुराग। नहीं इतना कुछ क्या करना है, ले लो। चलो इन लोगों की हिम्मत है कि मैं खुद भी पहले पंचमी डॉक्स नहीं गया था, गर्मी भी थी थोड़ी। हाँ जी आ गए आप? हाँ जी आ गए सर अपने कैंप में। जी इमरान भाई आप पहुंच गए? भाई जब बस देख ले पहुंच ही गए, अल्लाह ने पहुंचा दिया। उसको लॉक करना है रात को, लॉक ताला लगाना है जैसे तेरे अबू कहते ताला ला। जिप लाओ। हम जिप लगाएंगे, बैग अंदर रखेंगे। मैंने यही कहा बैग अंदर रखेंगे, बाइक्स जो है वो इधर रखेंगे और ऊपर से उसको लगा देंगे। टाइम क्या हुआ सर, टाइम तो बताएं। ये कैंप हमने लगाया हो ना उधर इधर वाला के टू फिर जमे होंगे 10:30 हो गए। 10:30 हो गए, बहुत देर हो गई। और 11 बजे मेरे दोस्त सो गए और मुझे नींद नहीं आई। रात के 3 बजे निकला, ये मंजर थे वहां के। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी सुबह के 6 बजे हैं, सनराइज़ हो तो गया, रोशनी तो होगी, लेकिन अभी एक जो खूबसूरती एक गोल्डन आ रहा था ना, अभी वो बस होने वाला है। और मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि भाई उठो, वो कह रहा यार अभी ज़रा थोड़ा सा वेट करा लो, वो मैं कहा वेट नहीं होता। तो रात को जनाब खराटे फुल टाइम, थके हुए थे सो गए, और ये राइडर्स भी आए हुए थे मुल्तान से, आगे भी कैंपिंग हुई हुई थी। तो प्लेजेंट जगह है, अच्छी जगह है और बहुत लोग आते हैं यार। तो आए अंदर का व्यू दिखाएं क्या सीन है। हाँ मुझे लग रहा है ड्रोन तोड़ेगा नहीं यार। ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार, बारिश आने शुरू हो गई। अली मैंने कहा जी ये फैमिली के लिए तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 20+ वाले और 40+ वाले ही आ सकते हैं, बाकियों को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो यार वो देखो उन्होंने भी कैंपिंग की हुई थी, वो देखो वहाँ वो अच्छा किया दरख्तों पे, वो उनका पॉइंट अच्छा है। असल में हमें पता ही नहीं था, रात को पता ही नहीं जा रहा था। हाँ हम आधी रात को तो यहाँ एंटर हुए हैं, लेकिन ये कि रात को मज़ा आया हमें, बहुत ही ऑकवर्ड से यू टर्न्स थे, टूटी हुई रोडें,
कहीं पे ऑफ रोड था तो कहीं पे रोड थी। खैर मजा आया, ठंड भी बढ़ती गई। खुशी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ये। यार आप पुठे पुठे चीजें लोगों को बताते हैं। मेरे भाई ने या किसी बहन ने अगर खुदकुशी करनी है तो यहाँ से कर सकती है। नवील साहब आ रहे हैं जी हमारे साथ साथ। अब हम जनाब वापसी की तरफ रवाना हो गए हैं।
फूल कितना प्यारा है।